नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। मैं हूं अवधेश। वक्त है उत्तर मांगे प्रदेश का, जिसमें आज भी हम बात करेंगे कोरोना के कहर की। आज पहली बार बीते 24 घंटे में देश में 2 लाख नए मरीज सामने आए, यानी कि एक मिनट में कोरोना के करीब 140 नए मरीज सामने आ रहे हैं। यूपी में भी अलग अलग जिलों में कोरोना संक्रमण के परेशान करने वाले आंकड़े सामने आए, तो वहीं उत्तराखंड और दिल्ली में भी हालात बेहतर नहीं है। ऐसे में उत्तर मांग रहा है प्रदेश कि आखिर कहां पर जाकर रुकेगा कोरोना का ये कहर। कोरोना की दूसरी लहर, लापरवाही शहर शहर, पिछले 24 घंटे में डराने वाले आंकड़े। देश में 24 घंटे में 2 लाख से ज्यादा मरीज, रिकॉर्ड 1038 संक्रमितों की मौत। देश में जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, माथे पर पसीना कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखकर आ रहा है। वहीं बात उत्तर प्रदेश की करें तो यहां भी हालात बहुत काबू में नहीं है। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 22,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा लखनऊ में 5,100 नए कोरोना के केस शामिल हैं। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए चिंता की लकीरें खुद सीएम योगी के माथे पर भी खिंच गई हैं। यही वजह है कि सीएम योगी खुद कोविड पॉजिटिव होने पर भी लगातार निगरानी रख रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम ने टीम 11 के साथ बैठक की और अधिकारियों को कोरोना के संक्रमण को काबू करने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए। अब सीएम की इस परेशानी की बड़ी वजह भी जान लीजिए। कुछ शहरों के कोरोना संक्रमण के आंकड़ों ने चिंता को बढ़ाने का काम किया है, जिसमें नोएडा की बात करें तो यहां पिछले 24 घंटे में 483 नए कोरोना के केस मिले हैं। सोनभद्र में 290 लोगों की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं मथुरा में पिछले 24 घंटे में 173 मरीजों को कोरोना हुआ है। श्रावस्ती में 68 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जबकि प्रयागराज में हैरान करने वाले आंकड़े सामने आए हैं। यहां पिछले 24 घंटे में 1,891 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। वहीं मुरादाबाद में 386 कोरोना के मरीज मिले हैं। ये तो यूपी के कुछ जिलों का हाल है जहां से ये आंकड़े सामने आए हैं। हालांकि शायद ही ऐसा कोई जिला होगा जहां कोरोना के केस नहीं सामने आ रहे हों। उत्तराखंड में भी कोरोना बेकाबू हो गया है। यहां पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,953 नए केस सामने आए, जबकि 13 लोगों की जान चली गई। कुंभ नगरी हरिद्वार से भी अच्छी खबर नहीं आई है। यहां तीसरे शाही स्नान के बाद 5 अखाड़ों के 9 संत कोरोना पॉजिटिव मिले, जिसके बाद उन्हें आइसोलेट कर दिया गया। ऐसा माना जा रहा था कि महाकुंभ के शाही स्नान के बाद कोरोना के आंकड़ों में तेजी देखी जा सकती है। हरिद्वार के बॉर्डर और कुंभ क्षेत्र में करीब 200 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। जिले में कुंभ के चलते बॉर्डर और कुंभ क्षेत्र में 25,000 लोगों की रैंडम जांच हुई, जबकि 6,000 लोगों की RT-PCR जांच की गई थी। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अलावा देश की राजधानी दिल्ली भी कोरोना की जद में है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या एक बार फिर देश लॉकडाउन की ओर बढ़ रहा है? अगर लॉकडाउन नहीं तो कोरोना को रोकने का विकल्प क्या है? क्या संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए नियम और सख्त किए जाएंगे? इन तमाम सवालों का जवाब हर कोई जानना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो सवाल यही है कि भयावह होते हालात के बीच क्या समाधान का कोई रास्ता सरकार के पास, सिस्टम के पास, स्वास्थ्य विभाग के पास बचा है? क्योंकि जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से व्यवस्था ध्वस्त हो रही है, उसमें अब गंभीरताएं बहुत ज्यादा हैं और इसको ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन सवाल यही है कि कैसे इससे बचा जाए। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी हमारे साथ जुड़ गई हैं, एक्सपर्ट हैं इंटरनल मेडिसिन के, और थोड़ी देर में डॉक्टर अनूप अग्रवाल भी जुड़ेंगे, चेयरमैन है नर्सिंग होम सेल IMA के। डॉक्टर स्वाति जी, सवाल ये है कि जिस तेजी के साथ आंकड़े बढ़ रहे हैं और जिस तरीके की खबरें आ रही हैं कि कहीं पर एम्बुलेंस 5 से 6 घंटे में पहुंच रही है, अस्पताल सारे फुल हो गए हैं, बेड सारे फुल हो गए हैं, कुछ ऐसी दवाइयां हैं, कुछ ऐसे इंजेक्शन हैं जो कोरोना पेशेंट को दिए जाते हैं, वो आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं, हालात काबू से बाहर हैं क्या?
देखिए बिल्कुल हम कम्युनिटी स्प्रेड की स्टेज में आ चुके हैं। जिस तरह से अवधेश जी आप देख भी रहे हैं कि संक्रमण बहुत ज्यादा तेजी से फैल रहा है, रोज नए आंकड़े बन रहे हैं और ऐसे में जो हमारे संसाधन हैं वो कम पड़ रहे हैं। और अब आप देख ही रहे हैं कि इस तरह की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है कि लोगों की मृत्यु हो रही है, बेड्स नहीं मिल रहे हैं, दवाइयाँ नहीं मिल रही, और एक अफरा तफरी का माहौल इस वक्त पूरे उसमें बना हुआ है। और अभी उससे बड़ी बात ये भी है कि हम आने वाले समय में इससे भी ज्यादा और केसेस देखने वाले हैं। 2 लाख का आंकड़ा तो हमने छू ही लिया है। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में क्या स्थितियां बनने वाली हैं। अब देखिए, एक तरफ से तो हम कुंभ कर रहे हैं और कुंभ में ही देखिए हमने कम से कम 1 करोड़ टेस्ट कर लिए हैं अब तक। एक तरफ ऐसे जिले हैं जहां टेस्ट अवेलेबल नहीं है, जहां लोगों के अब जान पर बनाई है, वो कह रहे हैं RT-PCR अवेलेबल नहीं है, एंटीजन टेस्ट पर डिपेंड करना पड़ा है, एंटीजन टेस्ट भी नहीं है, तो ऐसे ही डॉक्टर्स अपने आप ट्रीट कर रहे हैं। एक तरफ हम इतने सारे करोड़ों टेस्ट कर रहे हैं सिर्फ ये देखने के लिए कि कोई कोरोना संक्रमित है या नहीं, तो कहीं ना कहीं हमें जो हम ये आयोजन कर रहे हैं, हम जो इस तरह की एक्टिविटीज कर रहे हैं जहां इतने सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, उनकी तरफ हमें देखना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। अगर हम इतने एडमिंट रहेंगे और ये सोचेंगे कि नहीं हम इस तरह के फैसले अब जनहित के लिए नहीं ले सकते हैं, तो फिर आने वाले समय में आप सोचिए कि कितने और ज्यादा परेशानियां इससे खड़ी होंगी। यही लोग लौट के जब अपने घर जाएंगे तो कितना संक्रमण यहाँ से वहां ट्रैवल कर रहा है, बसों में, ट्रेनों में, तरह तरह से लोग, लाखों लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। तो अब सरकार को बहुत ज्यादा जरूरी है ये सोचना कि हम किस तरह से कहाँ पर क्या एक्शन लेंगे, क्या जरूरतें हैं। बिल्कुल, यानी कि सरकार का जो फैसला है वही बचाएगा जनता को। जनता अब बहुत कुछ करने की स्थिति में नहीं है, वो नियमों का पालन करे। लेकिन क्या डॉक्टर स्वाती जी, ये इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं कि RT-PCR कर लीजिए, आप रैपिड टेस्ट कर लीजिए, उसमें कोरोना की पहचान नहीं हो पा रही है। कई मामले ऐसे आ रहे हैं कि CT स्कैन जब चेस्ट का होता है तब पता चलता है कि हाँ लक्षण वही। देखिए ऐसे मामले जरूर सामने आ रहे हैं और इसके पीछे कुछ कारण भी हैं। सबसे पहली बात है कि कई बार सैंपलिंग सही तरीके से नहीं होती और इस वजह से टेस्ट पॉजिटिव नहीं आता लेकिन लक्षण है और CT में देखने को मिलता है। दूसरी बात ये भी कि कभी कभी शुरुआती दिनों में वायरल लोड कम होता है और हम टेस्ट करा लेते हैं और उस टाइम पर टेस्ट पॉजिटिव नहीं आता है। कभी कभी टेस्ट भी जो होते हैं उनमें E जीन और RP जीन होती है, जिसकी अगर हम एक जीन की नहीं करें दूसरे की स्थिति में भी पॉजिटिव आ सकता है। पता नहीं आप मुझे सुन पा रहे हैं? सुन पा रहे हैं, आवाज आ रही है आपकी। जी हाँ, तो और साथ में अब स्ट्रेन भी है, तो स्ट्रेन भी जो है हमारे टेस्ट को बाईपास करने की क्षमता रखता है। तो हमें कई सारे ऐसे कारण इस वक्त दिखाई दे रहे हैं जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है और इसी लोगों को जानना बहुत जरूरी है कि अगर आपको संक्रमण के लक्षण दिख रहे हैं और अगर आपके टेस्ट में पॉजिटिव नहीं आया तो भी सेल्फ मेडिकेशन मत करिए, अपने डॉक्टर से बात करिए, उनसे पूछिए कि क्या आगे आप है, क्योंकि डॉक्टर ये आसानी से निर्णय कर पाएंगे कि ये कोरोना से वो डील कर रहे हैं या नहीं डील कर रहे हैं, तो वो उस हिसाब से उनको आगे गाइड कर सकते हैं। इसलिए और दूसरी जरूरी बात यहाँ पर समझने की ये है कि जब भी आपको शुरुआती लक्षण महसूस होते हैं तुरंत अपने आप को आइसोलेट करिए अपने घर से, अपने परिवार वाले लोगों से, और आप बाहर मत निकलिए। अक्सर आपने देखा है लोग 2-3 दिन तक घूमते रहते हैं, कहीं कोई ऑफिस जा रहा है, कोई मार्केट जा रहा है, और हम सेल्फ मेडिकेशन करते रहते हैं कि हम पैरासिटामोल खा रहे हैं 2-3 दिन में ठीक हो जाएंगे, लेकिन उतने दिनों में हम काफी इन्फेक्शन बाकी लोगों में फैला देते हैं। बिल्कुल फैला देते हैं। और डॉक्टर साथी जी, अगर हम बात करें नए स्ट्रेन के लक्षणों की, तो क्या कुछ लक्षणों में वृद्धि भी हुई है, कुछ नए लक्षण भी सामने आए? क्योंकि सामान्य तौर पर अगर बुखार है तो लोग पैरासिटामोल खाने की आदत रखते हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए अब हम नए स्ट्रेन के साथ कुछ और फेरबदल भी देख रहे हैं, क्योंकि पहले ऐसा देखा गया था कि जनरली बहुत तेज बुखार है या सूखी खांसी है किसी को या उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो तभी ज्यादातर ये परेशानियां देखी गई थी। लेकिन अब सेकेंड वेव में जो वायरस है उसने अपनी संरचना को बदला है, तो अब हम जरूरी नहीं है बुखार हो, अगर किसी के पेट में बहुत तेज दर्द है, बहुत ज्यादा उल्टी दस्त हो रहे हैं, या अगर किसी को जो है बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, बहुत कमजोरी महसूस हो रही है, या आपको आंखों में कंजंक्टिवाइटिस हो गई है, या आपके हाथ पूछ रहे नीले पड़ रहे, तो ये सब भी कोरोना संक्रमण के लक्षण हैं। इसलिए अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि कोई लक्षण वो महसूस कर रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से, तो उन्हें जरूर अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और ये पता लगाना चाहिए। बिल्कुल, यानी कि कोरोना अपने से इलाज करने वाली आदत तो छोड़नी पड़ेगी क्योंकि कोरोना की स्थिति बहुत खतरनाक हो गई। कुछ आंकड़ों पर भी नजर डाल लेते हैं क्योंकि स्थितियां भयावह हो गई, उनको समझना भी बहुत जरूरी है। इन सब के बीच दिल्ली में वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक ये लॉकडाउन रहेगा। जरूरी सेवाओं और
शादी समारोहों के अलावा ये चीजें लागू रहेंगी। वहीं कोरोना को लेकर सीएम योगी ने क्या निर्देश दिए वो भी हम आपको बताते हैं। ये कुछ जिले हैं जहां पर रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। 2000 से ज्यादा एक्टिव केस वाले सभी जिलों में रात 8 से सुबह 7 तक कर्फ्यू रहेगा और लोगों को मास्क और सैनिटाइजेशन के महत्व को समझाया जाना है। लखनऊ के KGMU बलरामपुर के हॉस्पिटल को पूरी तरीके से कोविड हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर में रात 8 से सुबह 7 बजे तक के लिए कोरोना कर्फ्यू प्रभावी रहेगा। जरूरी सेवाओं के अलावा सारी चीजों पर पाबंदी रहेगी। और यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो उत्तर मध्य प्रदेश में आज हम बात कर रहे हैं कि कोरोना के कहर से कैसे बचा जाए। तो डॉक्टर स्वाति महेश्वरी जुड़े, उनका कहना है कि अपने से इलाज एकदम ना करें, लक्षण बदल गए हैं उन पर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है और इसके अलावा जो बदले हुए लक्षण उनके बारे में भी आपकी जागरूकता जरूरी है। हमारे साथ डॉक्टर अनूप अग्रवाल भी जुड़ गए हैं चर्चा में, चेयरमैन है नर्सिंग होम सेल के। डॉक्टर अनूप अग्रवाल जी, जिस तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं आप ये बताइए कि अस्पतालों की हालत क्या है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सामने आ रही हैं सोशल मीडिया पर कि बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है और यहाँ तक कि कुछ कोरोना की ऐसी इंजेक्शंस हैं वो भी आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं और अस्पतालों को कहना पड़ रहा है कि आप जाकर ढूंढ कर लाइए, मरीज के परिजन परेशान हो रहे हैं। ये स्थिति बन गई क्या? अवधेश जी, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। इस समय ऐसी स्थिति है। प्रॉब्लम क्या हो रही है कि बहुत सारे जो कोविड के पेशेंट हैं, जैसा कि स्वाति जी ने पहले बताया कि उनमें RT-PCR नेगेटिव आ रहा है, लेकिन एक्चुअली उसमें लक्षण या HRCT करने पर वो कोविड के ही हैं। जब वो नॉन कोविड अस्पताल में भर्ती हो जा रहे हैं तो वहाँ भी बेड ऑक्यूपाइड हैं और जब उनको कोविड पॉजिटिव आता है तो उनकी तीन चार दिन शिफ्टिंग नहीं हो पा रही है। इस तरह से सिचुएशन कुछ ऐसी बन रही है कि कोविड अस्पताल में कोविड के मरीज के सारे बेड फुल हैं और नॉन कोविड अस्पताल में भी वो वाले मरीजों से जिनको सांस में प्रॉब्लम हो रही है वो सारे ICU या ऑक्सीजन बेड वही मरीज घेरे हुए हैं। तो प्रैक्टिकली आज की सिचुएशन ये है कि नॉन कोविड अस्पताल भी कोविड अस्पताल में ऑटोमेटिक कन्वर्ट सा हो गया है, भले हम इस बात को माने या ना माने। दूसरी बड़ी समस्या आ रही है कि ऑक्सीजन समय में मिलने पे अभी भी प्रॉब्लम आ रही है हॉस्पिटल्स को, कई बार एक्यूट शॉर्टेज देखने को मिल रही है। तीसरा, जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है आज की तारीख में भी, जबकि कल जो हमें सूचना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगभग 25,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन लखनऊ में मंगाए हैं, उसके बावजूद आज भी एटलीस्ट कम से कम 6-7 बार लोगों के फोन मेरे पास आ चुके हैं कि कहीं से डॉक्टर साहब क्या रेमडेसिविर का इंतजाम हो सकता है और लखनऊ में रेमडेसिविर के इंजेक्शन के लिए मरीज भटक रहे हैं। ओवरऑल ऑफ सिचुएशन ये देखेंगे कि बेड ऑक्सीजन, ICU बेड, बाईपैप बेड, ऑक्सीजन बेड, रेमडेसिविर इंजेक्शन, एम्बुलेंस, इन सब की लिए हाहाकार लखनऊ में मचा हुआ है। लोग घर पर ही बिना बेड फैसिलिटी मिले घर पर ही मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। तो सिचुएशन लखनऊ में बहुत ही पैथेटिक और भयावह है आज की तारीख में। बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर स्वाति महेश्वरी जी, जब राजधानी की हालत है तो फिर दूसरे जिलों में तो समझा जा सकता है कि स्थितियां क्या होगी। तो इसमें बेहतर ये है कि लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें, वरना अगर अस्पताल जाने की नौबत आई तो फिर डॉक्टर अनूप जी ने पूरी कहानी बता दी। हाँ देखिए, जैसे डॉक्टर अनूप सर ने बोला, बिल्कुल ठीक बोला उन्होंने कि इस वक्त बहुत ज्यादा किल्लत महसूस हो रही है। और सबसे बड़ी बात देखिए, अभी सरकार का ही डेटा ये कहता है, जो हमारा नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है उसके डेटे को आप देखिए तो वो कहता है कि हमारे जो टीयर टू सिटीज हैं, हमारे जो रूरल एरिया है, वहाँ 75% डॉक्टर्स की कमी है। तो ये जो हमारा सिस्टम है ये पहले ही बहुत ज्यादा, आप ये कहेंगे कि बैलेंस नहीं है, शहरों में ज्यादा है, गाँव में, छोटे शहरों में, कस्बों में बिल्कुल भी नहीं है। तो लोगों के लिए समस्या बहुत ज्यादा है, क्योंकि तब जब आप ऐसी जगह पे पीड़ित होते हैं तो आप शहर की तरफ जाते हैं, उसमें वक्त लगता है और वहां पहुंचकर आप देखते हैं कि बेड ही नहीं है, कहीं कोई सुविधा ही नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत है। तो बीच में ही कहीं हमें जरूर ऐसी सुविधाएं क्रिएट करनी चाहिए कि इन लोगों को भाग भाग के शहर तक ना आना पड़े, इनको वहीं कोई ट्रीटमेंट मिल सके। वहीं अब लोगों को भी ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर आपको शुरुआती लक्षण है, आपको माइल्ड लक्षण है, आपका ऑक्सीजन लेवल ठीक है, आपको लगातार बहुत दिनों से तेज बुखार नहीं चल रहा है और आप सांस लेने में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है तो अस्पताल की तरफ मत जाइए, आप घर में रहकर डॉक्टर अनूप जी, एक छोटा सा और आखिरी रिएक्शन आपसे लेना चाहते हैं कि जब पिछली बार पहला स्ट्रेन आया था तो बहुत सारी चीजें आई थी कि कई प्लेटफॉर्म है, कई रेल हैं, उनको कोविड वार्ड्स में तब्दील कर दिया गया है। क्या वो स्थिति आ गई कि फौरन उधर मुड़ना होगा हमें?
अवधेश जी, ये कुछ हद तक सही है कि हमें नंबर ऑफ बेड्स बढ़ाने की जरूरत है। पिछली बार बहुत सारे बैंक्वेट हॉल्स और धार्मिक जगहें थी जिनको L1 अस्पताल में कन्वर्ट कर दिया था, लेकिन इस बार थोड़ा सा मैं ये डिफरेंस यहाँ पर आपको बताऊंगा कि हमें सबसे ज्यादा आवश्यकता ऑक्सीजन बेड की है, तो हमें ऐसे बेड को बढ़ाने की जरूरत है जहां पर मिनिमम ऑक्सीजन सपोर्ट हो जी। वेंटिलेटर ना हो तब भी चलेगा, बाईपैप सपोर्ट मिल जाए या हाई फ्लो नेजल ऑक्सीजन सपोर्ट मिल जाए, नेबुलाइजेशन मिल जाए। हमें लगता है कि 80-90% मरीजों को वेंटिलेटर की जरूरत नहीं है, लेकिन जो भी अस्पताल की तरफ भाग रहे हैं उनको ऑक्सीजन की बहुत सख्त जरूरत है। तो जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ हम ऑक्सीजन बेड क्रिएट कर सकते हैं, बिल्कुल, तो ये समझा जा सकता है कि स्वास्थ्य व्यवस्था की क्या हालत हो गई है और उससे बचने का उपाय यही है कि आप घर में रहिए। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो उत्तर मध्य प्रदेश में यही चीज निकलकर सामने आ रही है कि इस वक्त बचाव ही असली समाधान है। वक्त यहाँ पर ब्रेक का हो चला है, लेकिन उससे पहले आपको एक जरूर जानकारी दे दें, एबीपी नेटवर्क लगातार देश भर में अपना विस्तार कर रहा है और इसी कड़ी में नेटवर्क ने आज एबीपी नाडू डिजिटल चैनल लॉन्च किया है जो सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। तो दक्षिण भारत की हर खबर से जुड़िए एबीपी नाडू पर।